ये मटन है 1 kg, ये 4 अदद प्याज हैं जिसको मैंने स्लाइसिस में काट दिया है, ये 4 अदद टमाटर है बड़े साइज़ के, इनको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। ये इस तरह की शेप में कटेंगे क्योंकि जो स्टू होता है उसमें सारा जो मसाला होता है वो तकरीबन साबुत जाता है, पिसा हुआ नहीं जाता। ये 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने इसकी डंडी उतार के तो रख ली है, तो ये जाएगा। ये 15-20 जवे हैं जो इसमें जाएंगे, और ये अदरक का पेस्ट है जो उसमें जाएगा। ये भी मैंने मोटा मोटा काटा हुआ है, ये बारीक वाला नहीं है, वो मैश किया हुआ। और जो इसमें मसाला जाते हैं, इसमें ये सुरख मिर्च जाती है साबुत, तेज़ पात जाता है, ये बादियान का फूल जाता है, ये बड़ी इलायची जाती है, और ये 2 टेबल स्पून खड़ा मसाला जाता है, गरम मसाला यानी कि, और ये काली मिर्च जाती है, ये 1 टेबल स्पून है, और ये 10-15 से ज़्यादा है क्योंकि ये इसमें दूसरी मिर्च नहीं जाएगी, पाउडर मिर्च इसमें बिल्कुल नहीं जाएगी, इसमें साबुत काली मिर्च और सुरख साबुत मिर्च और सबल मिर्च, इसी के फ्लेवर से ही गोश्त ने बनना है, और इसलिए इसकी तादाद थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो आइए बिस्मिल्लाह करें, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको मीट को अपने प्रेशर कुकर, हम एक प्रेशर कुकर में इसमें हम विसल नहीं देंगे, ये हम बना रहे हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ दम देंगे, ये अपनी ही हीट में बनेगा। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं हीट पे नहीं बनाती, तेज़ आंच पे नहीं बनाती, लेकिन इसको मैंने दम पे बनाना है, इसका ढक्कन बंद करके बगैर विसल के। ये बहुत आसान है लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है, जब भी बने, जहाँ भी जिसने भी खाया है उसको बहुत पसंद आया है कि ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये लहसुन के जवे जो मैंने आपको बताए थे, ये खड़ी, इसमें नमक जाएगा 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, इसमें सिर्फ ये नमक जाएगा, बाकी और कोई मसाला नहीं जाएगा, बाकी मसाले मैंने डाल दिए। ये अदरक है भर के मैंने डाला है, ये 1 टेबल स्पून, ये इसमें मैं 2 गिलास पानी के डाल रही हूँ, ये मैंने पहले से मैयर करके रखे हुए थे, तो अब इसको मैं गलने के लिए छोड़ रही हूँ, जब तक कि ये टेंडर नहीं होता तब तक मैं इसको छोड़ूंगी। पहले मैं इसको मैं हाई फ्लेम में बनाऊंगी, बाद में मैं इसका बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाऊंगी और ये दम वाली आँच पर बनेगा। ये अब हम इसको खोल के चेक करते हैं कि हमने इसको रखा था तो अब ये किस सिचुएशन में है। ये देखिए अब माशाल्लाह सब्जियों ने भी पानी छोड़ दिया है, और हमने जो 2 गिलास डाला था अभी वो भी, और सब्जियां ये जो हमने बड़े साइज में भी डाली थी वो टेंडर होना शुरू हो गई हैं, और बाकी मसाला जात भी अपने आपस में हो रहे हैं। इसमें हमने कभी भी दूसरा मसाला नहीं डालना, इसमें हमने हमेशा साबुत मसाला ही डालना है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिया साबुत इस स्टेज पे आके, और ये 4-5 छोटी इलायची है जो मैं डाल रही हूँ, ये साबुत ही, इससे खुशबू और भी अच्छी हो जाती है। अब इसे हम वापस ढक के छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह इसको मज़ीद इसकी, जब तक गोश्त टेंडर नहीं होता तब तक हम इसको और पकाएंगे। अब हम इसको फिर खोल के देखते हैं, ये मीट जो है ना, गोश्त जो है ना वो टेंडर हो गया होगा। अब हम इसकी थोड़ी तेज आंच करके
हम इसकी भुनाई स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें हाफ कप ऑयल डालेंगे। और इसकी भुनाई शुरू करेंगे। आप देखें, मैंने इसमें कोई दूसरा मसाला नहीं डाला, कोई पाउडर मसाला नहीं डाला, और उसका कलर फिर भी कितना खूबसूरत आया है। इसमें किसी दूसरे मसाले की ज़रूरत नहीं होती कि इसी तरह इसी मसाले में ये अपना इतना अच्छा कलर और फ्लेवर लेके आता है। और खड़े मसाले डाले थे वो भी देखें, वो सारे खड़े ही हैं और नज़र भी आ रहे हैं और मैश भी हो गए। अब मैं इसकी 10 से 15 मिनट भुनाई करूंगी। माशाल्लाह, अब इसकी भुनाई चेक करें कि कितनी अच्छे से भून गए, इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, और ये भुने हुए गोश्त से इसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इसका ये टेंडर भी पूरा हो गया है। और मेरी रेसिपी को आप शुरू से एंड तक देखा करें ताकि कोई भी चीज़ आप स्किप ना कर सकें, और आप तक ऑथेंटिक रेसिपी मैं लेके आ रही हूँ ताकि आप उसको ऑथेंटिक तरीके से ही जब आप बनाएं तो ऑथेंटिक तरीके से ही बनाएं। माशाल्लाह, इसकी लुक देखो। ये बहुत ही आसान रेसिपी है स्टू की। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।